गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7, चैप्टर नंबर 2, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स इन हिस्ट्री पोर्शन, पेज नंबर 14, एंड टॉप टुडेज टॉपिक द राष्ट्रकूटास. द डायनेस्टी ऑफ रूल्ड एरिया ऑफ द डेक्कन अबाउट 3 कंट्री सेंचुरीज 7 टू 10 सेंचुरी सी इन द मिडल ऑफ 8th सेंचुरी दे हैड द एरिया ऑफ साउथ गुजरात महाराष्ट्र पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. अगर हम बात करते हैं एक राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह न्यू एंड किंगडम्स एमर्ज होकर निकले, इंडिपेंडेंट होके एक डायनेस्टी से अपने टर्चरी सेक्टर को लेके अलग निकल जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपने आप एक नया किंगडम स्टार्ट करते हैं. तो पहला हम एक किंगडम देखते हैं राष्ट्रकूटास का, जो 7th to 10th century तक चला. मिडल 8th century में इसने अपने आप को एक्सटेंड किया साउथ गुजरात तक, महाराष्ट्र तक और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका तक. सम ऑफ प्रोमिनेंट राष्ट्रकूटास रूलर्स वर दंती दुर्ग, कृष्णा फर्स्ट एंड ध्रुव. जो इस राष्ट्रकूटास डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर्स आए, बट जो प्रोमिनेंट है यानी जो बहुत स्पेशल है, जिन्होंने अपनी पावर को एक्सटेंड किया, जिन्होंने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को बहुत बढ़ाया, उसमें दंती दुर्ग, कृष्णा फर्स्ट एंड ध्रुव, ये 3 प्रोमिनेंट रूलर्स नज़र आते हैं. द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज मलखेड़ इन महाराष्ट्र. अपनी किंगडम की इन्होंने जो कैपिटल थी वो कहाँ बनाई थी, महाराष्ट्र के मलखेड़ में. अंडर देयर रूल द वर्शिप ऑफ शिवा एंड विष्णु बिकम वेरी पॉपुलर. इस डायनेस्टी में जो सबसे हर डायनेस्टी में एक गॉड को स्पेशल माना जाता था, तो इस डायनेस्टी में जो वर्शिप की जाती थी वो शिवा और विष्णु को बहुत ज़्यादा फेवरेबल माना जाता था. द मेजर अचीवमेंट ऑफ द रूल ऑफ दिस डायनेस्टी वर इज फॉलोज. अब इस डायनेस्टी के क्या कॉज अचीवमेंट थे, यानी क्या क्या इन्होंने किया, इनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी. तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल केम इन अ बिग वे. तो इस डायनेस्टी में कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बहुत हुआ, टेम्पल बहुत ज़्यादा बनाए गए. द रॉक कट टेम्पल ऑफ एलोरा एंड एलिफेंट आर ऑफ दिस पीरियड. तो एलोरा की जो रॉक कट टेम्पल हैं और एलिफेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है इस डायनेस्टी के. इन दिस टेम्पल गॉड हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म एज अ क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर. इसमें इन्होंने जो टेम्पल्स हैं उनमें इन्होंने गॉड के 3 फॉर्म को डिस्क्राइब किया है. पहला फॉर्म उन्होंने बताया क्रिएटर, क्रिएटर यानी क्रिएट करने वाले, इस अर्थ को, इस यूनिवर्स को बनाने वाले. दूसरा बताया है प्रिजर्वर, प्रिजर्वर यानी सिक्योर करके रखना, प्रिजर्व करके रखना. तो इन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को, हम ह्यूमंस को बहुत कुछ दिया है, प्रिजर्व करके रखा है. और डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी ख़त्म करने वाले. तो हम ये समझते हैं कि जो लिविंग है उसको एक बार उसका एंड होना है. तो जो मृत्यु है, डेथ लाइफ है, जो लाइफ से लेके डेथ तक जो डेथ है वो भी इन्हीं के हाथ में. ये डिस्ट्रॉयर भी है, यानी इन्होंने क्रिएट किया है तो ये ख़त्म भी करते हैं. सेकेंड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. अ नंबर ऑफ कमिटी वर फॉर्म टू एडमिनिस्टर डिफरेंट अफेयर ऑफ द विलेज. द किंग ऑल्सो टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइज द वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखी गई है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी विलेजेस को डिवाइड कर दिया गया था और उन विलेजेस में भी कमेटी बना दी गई थी. अब विलेजेस के जो छोटे छोटे काम थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन शिप थी, वो कमेटी देखती थी और इन कमेटी को जो पूरा वर्क है, अब वो जो राजा है इन कमेटी के सर्वे करता था. यानी टाइम टू टाइम राजा हर कमेटी के, हर विलेज की प्रॉब्लम्स को या क्या हुआ है उस विलेज में, कितना काम हुआ है, सबको टाइम टू टाइम देखते थे. ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश, देयर वर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एंड दिस एरिया ग्रीव इन वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी.
ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा था, यानी यहाँ पर इस डायनेस्टी में ट्रेड बहुत हुआ था, व्यापार बहुत हुआ था, बिजनेस बहुत हुआ था। देखो ट्रेड होता है तो ऑब्वियस है मनी जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, यानी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा आती है। तो ट्रेड सिस्टम बहुत अच्छा था यहाँ के लोगों के लिए भी और किंग के लिए भी। ट्रेड करेंगे तो टैक्स भी देंगे, इसलिए इस डायनेस्टी हमेशा इकोनॉमिकली वेल्थी रही है, यानी कभी इसमें पैसों की कमी नहीं आई। सम अरब ट्रैवलर डिस्क्राइब द राष्ट्रकूता इज़ वन ऑफ द बेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड। कुछ जो अरब ट्रैवलर्स आए यहाँ पर ट्रेड के लिए, वो जब आए उन्होंने देखा तो उन्होंने लिखा अपने अकाउंट में कि अभी तक हम जहाँ तक गए, जितनी जगह तक गए हैं, वहाँ सब में से, पूरे वर्ल्ड में से राष्ट्रकूता डायनेस्टी का जो रूलिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। द लास्ट रूलर करका टू ऑफ द राष्ट्रकूता डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय द चालुक्य किंग 1973 CE। तो राष्ट्रकूता के जो लास्ट रूलर थे करका सेकेंड, वो चालुक्य के किंग से डिफीट हो गए थे 1973 में। यहाँ से ख़त्म होती है हमारी राष्ट्रकूता डायनेस्टी। अब नई डायनेस्टी निकल कर आई है, वो है गुर्जर प्रतिहारा। द डायनेस्टी ऑफ गुर्जर प्रतिहारा इज नोन्स टू हैव बीन इन पावर ऑफ 725 to 1040। देखो जब गुर्जर प्रतिहाराज है तो उस टाइम राष्ट्रकूताज भी, राष्ट्रकूताज का एंड 1973 में हुआ था धीरे धीरे, ये 725 CE की बात है, इट मीन्स राष्ट्रकूताज भी है। तो जो गुर्जर प्रतिहाराज है ये 725 CE से 1040 CE तक रूल किया इन्होंने। दे रूल ओवर पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। कन्नौज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा इन उत्तर प्रदेश वॉज देयर कैपिटल। गुर्जर प्रतिहाराज थे, उन्होंने राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के पर रूल किया है, और कन्नौज को उन्होंने, जो यूपी में रिवर है उसके पास एक शहर था कन्नौज, उसको अपनी कैपिटल सिटी बनाया था। द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वर नागभट्टा वत्सराजा, नागभट्टा टू, मिहिर भोजा, महेंद्रपाला एंड राज्यपाला। तो ये सारे इम्पोर्टेंट रूलर है गुर्जर प्रतिहाराज डायनेस्टी के। मिहिर भोजा वॉज द आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड द पावर ऑफ प्रतिहाराज रीच इट्स पीक ड्यूरिंग हिज टाइम 836-885 CE। मिहिर भोजा जो थे वो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के बहुत ज़्यादा पावरफुल और आउटस्टैंडिंग माने जाते थे। ही वॉज ग्रेट लर्नर वॉरियर एंड वॉज अ वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। इसे एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता था। ही डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, ही वर्कड हार्ड टू स्प्रेड द एम्पायर। ये लॉर्ड विष्णु का डिवोटी थे, यानी लॉर्ड विष्णु को मानते थे, और इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है अपने एम्पायर को फैलाने के लिए। द प्रतिहारा रिसीवर सर्व ब्लो इन 1019 CE व्हेन दे वर अटैक्ड एंड डिफीटेड बाय फोर्स ऑफ मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी एंड द डायनेस्टी केम टू एन एंड। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन जब महमूद गजनी ने इन पर अटैक किया तो ये डिफ़ीट हो गए और फिर ये इनकी डायनेस्टी ख़त्म हो गई। ये लेट्स चेक कर लेना, ये आप लोगों का होमवर्क है। 6 क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे हैं, आप लोगों के पिछले जितना हमने पढ़ा है उसी में से है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम दीपालास। दीपालास एस्टाब्लिश देयर किंगडम इन बंगाल इन 8th century CE एंड इट लास्टेड फॉर अबाउट 4 सेंचुरी। तो पालास ने अपना किंगडम 8th century से स्टार्ट किया था और आगे ये 4 सेंचुरी तक देखने को मिलता है। द डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय किंग गोपाला। तो किंग गोपाला थे इस डायनेस्टी को फाउंड करने वाले एंड इस कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र इन मॉडर्न डे बिहार। और इस पालास की जो कैपिटल सिटी थी वो पाटलिपुत्र थी, आज जिसे हम बिहार कहते हैं। The dynasty had 17 kings
इस डायनेस्टी में 17 किंग्स दिखे हैं एंड द फेमस वन आर धर्मपाला एंड देवपाला। उन 17 किंग्स में से भी जो इम्पोर्टेंट थे दो ही थे, धर्मपाला एंड देवपाला। द किंगडम इंक्लूड पार्ट ऑफ असम, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड वॉरियर्स ड्यूरिंग देयर टाइम। डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे ये और वॉरियर भी अच्छे थे। उनके टाइम में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, किस में? लिटरेचर में और लर्निंग में, यानी एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट दिखाई दिया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश बाय किंग धर्मपाला विच बिकम अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाला किंग के टाइम पर बहुत फेमस हुई थी, उन्होंने एस्टैब्लिश की थी, एक लर्निंग सेंटर था जो बहुत फेमस था। इट अट्रैक्ट स्टूडेंट इवन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट करती थी, वो यहाँ आते थे लर्निंग के लिए। दिस यूनिवर्सिटी हैड अ लार्ज एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। इस यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी और एक्सटेंसिव लाइब्रेरी थी, यानी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल थी यहाँ पे। बंगाली लिटरेचर ऑल्सो ग्रीव अंडर देयर पेट्रोनेज। बंगाली लिटरेचर को भी यहाँ पर एक अपनी ही इम्पॉर्टेंट मिली हुई थी। पालास ऑल्सो रिवीव्ड बुद्धिज़्म एंड बिल्ट अ नंबर ऑफ मोनेस्ट्रीज। पालास जो थे वो बुद्धिज़्म को भी सपोर्ट करते थे और उन्होंने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज बनाई थी। मोनेस्ट्रीज क्या होती है? मोनेस्ट्रीज वो होती है जहाँ पर बुद्धिस्ट के जो मोंग्स होते हैं, मोंग्स यानी पुजारी, बुद्धिस्ट के जो मोंग्स होते हैं वो अपनी बुद्धिज़्म की डिवोशन को डिस्प्ले करते हैं, यानी बैठकर जैसे भजन करना, उनके बारे में, बुद्ध के, गौतम बुद्ध के बारे में उनके थॉट को फैलाना, प्रचार प्रसार करना और पूजा पाठ करना, तो मोनेस्ट्रीज कहते हैं उन्हें। एट द सेम टाइम दे वर टॉलरेंट टूवर्ड्स हिंदुनिज़्म, और वो हिंदुनिज़्म को टॉलरेंट करते थे। द पावर ऑफ द पालास रिसीव्ड अ ब्लो इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी एट द हैंड्स ऑफ विजय सेना, द फाउंडर ऑफ सेना डायनेस्टी। 12th सेंचुरी के आते आते, मिडल 12th सेंचुरी में जो पालास की जो पावर थी वो विजय सेना के हाथों में चली गई, जो सेना डायनेस्टी के थे। लक्ष्मण सेना, अनदर रूलर ऑफ सेना डायनेस्टी, वॉज डिफीटेड बाय अ तुर्किश इन्वेडर नेम बख्तियार खिलजी। लेकिन ये सेना डायनेस्टी ज़्यादा दिन नहीं चली, इन पर भी तुर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने अटैक किया कर दिया था। यहाँ तक आप लोगों की 3 डायनेस्टी हो गई, राष्ट्रकूतास, गुजर प्रतिहारास एंड पालास। ऑल क्लियर अबाउट दिस? और थ्री पार्टी स्ट्रगल गुजर प्रतिहार राष्ट्रकूतास एंड पालास के बीच में क्या था वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।